तो चलिए दोस्तों, आज हम आ गए हैं दुकान में और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत से भाई का कमेंट आता रहता है कि सर मुझे एक ट्रक बालू लेना है। तो अभी हमारे साथ ट्रक का ड्राइवर साहब है और उन्हीं से जानेंगे कि एक ट्रक ऑनर, अच्छा ट्रक ऑनर है और इनसे हम कहे कि ये बालू का जो है ट्रक का सेल करते हैं क्या भैया। तो चलिए अभी हम भैया से ही पूछेंगे कि भैया क्या करते हैं नहीं करते हैं। अगर आपको ट्रक से बालू लेना है, एक ट्रक लेना है, दो ट्रक लेना है, 1000 सीएफटी का ट्रक लेना है, 800 सीएफटी का, जितना भी सीएफटी का अगर ट्रक बालू लेना चाहते हैं, अगर आप बिहार के किसी भी ज़िले से हैं तो अभी हम भैया से बातें करेंगे। और आपको चाहिए बालू तो कैसे कॉन्टेक्ट होगा इनसे अभी हम जानेंगे और सारा बात आपको यही बताएंगे। तो भैया सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आप बालू का जो ट्रक है, यानी कि आप बालू से ट्रक से क्या करते हैं, सेल करते हैं? सेल करते। अच्छा, तो भैया बहुत से भाइयों का कमेंट रहता है कि सर मुझे एक ट्रक बालू चाहिए, एक ट्रक बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए। तो मतलब क्या है प्रोसेस अगर ट्रक से बालू लेने पर? अभी कितना रुपया में जो है ट्रक मिल जाएगा, 10 चक्का का, 12 चक्का का, ये सब थोड़ा आप बताएंगे? जी जी बता देंगे। अभी जो वर्तमान का रेट है जी, अभी का रेट 5500 का सीएफटी पर है। 5500 का सीएफटी जी जी। अभी अंदर लोड गाड़ी आ रहा है, एक ट्रक 10 चक्का में, थोड़ा जोर से बोलेगा इसमें आवाज आएगा, एक ट्रक 10 चक्का ट्रक में अभी 550 से लेकर के 600 तक आता है माल। एक सी एफ 10 चक्का में 550 से लेके 600 सी 10 चक्का में, हाँ 10 चक्का में जी। अब 12 चक्का में आता है 700 से लेकर के, अच्छा 750 तक, 7 से 750 तक, हाँ हाँ। और 14 चक्का में आता है 800 से लेकर के 850 तक, 850 तक। और इसी तरह 16 चक्का में आता है 900 से 950 से, हाँ अच्छा। तो अभी फिलहाल का रेट है 5500 का सीएफटी 10 इंची का नापी चलता है। 5500 का सीएफटी 10 इंची के नापी में सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी जी। और पुपरी का रेट है ये लोकल का। अगर आप आगे लेते हैं जी, आगे जाएगा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, उसी हिसाब से भाड़ा के हिसाब से जी रेट आपका बढ़ जाएगा। 10-15 किलोमीटर जाएगा तो भाड़ा, यानी कि दूरी के हिसाब से रेट बढ़ जाएगा, हिसाब से रेट बढ़ जाएगा। अगर पुपरी में आप लोकल में गिराना चाहते हैं जी, तो 5500 का सीएफटी ये 2024 में, आज तारीख है, यानी आज 29 तारीख है, 29 जनवरी 2024 का ये रेट है। रेट यानी कि रेट तो है, सबको पता है, वैसे हम हर रोज बताते भी रहते हैं कि आज है कुछ रेट, कल कुछ और हो सकता है, घट भी सकता है, 200 बढ़ भी सकता है। अब बढ़ता है कितना ज्यादा, 200, 300, 400, 500 लेटेस्ट, यानी 100 सीएफटी, इससे ज्यादा तो नहीं ना बढ़ता है? 2000 भी बढ़ जाता है। अच्छा, 1000-2000 भी बढ़ जाता है, क्रेसिस होता है बालू का, अच्छा जाम उम ज्यादा लगने लगता है तो ट्रक को आने में समय लगता है, अच्छा हाँ, तो खुराकी भी बढ़ जाता है, ज्यादा समय लगता है तो जी। और वहाँ भी चालान पे डिपेंड करता है जी, कि कितना चालान का भी रेट है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम मार्केट में है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे लाइव। और ये सर जो है अभी ट्रक ऑनर है, यानी कि बालू के ट्रक का ऑनर है और इनको जो है सारी जानकारी पता है, इसीलिए हम में जितना भी दुकान है जी सबको हम ही माल देते हैं। पुपरी में आप पूरा माल आप ही पहुंचाते हैं? हाँ, हम ही पहुंचाते हैं, जितने भी दुकानदार, जितने भी दुकानदार, हाँ सबको हम ही देते हैं। तो यहाँ पुपरी कदम चौक पे गाड़ी सब लगती है। अच्छा भैया, बहुत से भाई का कमेंट है कि सर हमको बालू लेना है तो 5500 का 100 सीएफटी है, तो ट्रक से लेने में क्या बेनिफिट है? ट्रक से अगर लेने में बेनिफिट है कि वो बालू एकदम बैठा रहेगा, आपको बालू बैठा रहेगा? हाँ बैठा रहेगा। अच्छा, और टेलर से लेने में रहता है कि वो फुलका हुआ रहता है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सही बात, इसमें भी है। और रेट में भी मार्जिन रहता है, रेट में भी हम आपको 5500 का दे रहे हैं, कोई भी दुकानदार से पूछ लीजिए रेट जी, वो इतना का नहीं देगा। कैसे देगा दुकानदार, कैसे देगा? अगर आपसे 5500 का लेंगे, अगर 5500 में ही बेचेंगे तो उनको क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं, तो हर प्रोडक्ट में जो है पूंजी लगाया हुआ है तो भी कमाएंगे जी जी, उसी हिसाब से दे रहे हैं। अगर आपको ट्रक का जरूरी है जी, तो आप डायरेक्ट आकर के संपर्क कर सकते हैं, कदम चौक पे गाड़ी सब लगती है जी, बालू का। बालू का, अच्छा सर ये बता दीजिए
बहुत से भाई का रहता है कि हमको 700 सीएफटी वाला ट्रक लेना है। अच्छा। तो एक ट्रक 700 सीएफटी बालू का जो है वो कितने रुपए में आ जाएगा? तो 700 × 55 कर लीजिए। 700 × 55 हाँ, रेट पता चल जाएगा आपको, यानी कि 100। हाँ, एकदम नेट ही 700 नहीं रहेगा, कुछ कम रहता है या ज्यादा, कुछ ज्यादा भी रहता है, या एकदम नेट ही अगर 700 सीएफटी रहेगा 5500 से 38500 700 सीएफटी का। अच्छा, तो यानी कि इसी हिसाब से 100 5500 के सीएफटी से चाहे 700 लीजिए, चाहे 900 लीजिए, 1000 लीजिए, उसी हिसाब से आपको पैसा जोड़ के लगेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, आपको चाहे कितना भी सीएफटी बालू लेना है, 500 लीजिए, 700 लीजिए, 900 लीजिए, 1000 सीएफटी का ट्रक लीजिए, तो 5500 सीएफटी के हिसाब से ट्रक से लेने पर मिलेगा। दुकान में ये रेट आपको नहीं मिलेगा, दुकान पे थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो दुकानदार का अपना बेनिफिट होता है या फिर जो भी कहिए वो काट के आपको मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जानकारी आपको, मुझे तो नहीं पता था सर है जो ट्रक से बालू का ही सेल करते हैं, इसीलिए हम आपको लाइव प्रूफ बताए हैं, है ना सर। और कौन सा बालू है सर, बालू कौन सा? कोइलवर का बालू आता है, कोइलवर वाला ही मिलेगा, कोइलवर और अरबल सब एक ही जैसा बालू रहता है। कोइलवर और अलवर बालू दो? अरबल दोनों। डोरीगंज का नहीं रेट बताते हैं, डोरीगंज का और रेट कम है। डोरीगंज का आप लीजिएगा तो आज का रेट है उसका 5000। अच्छा, सर ये बता दीजिए एक बार, बहुत से भाई का कमेंट रहता है कि मान लीजिए यहाँ पे 5500 का रेट है ना, पुपरे में आप देते हैं 100 सीएफटी का, अगर कोई दरभंगा, अगर दरभंगा से अगर आपको मतलब ट्रक मंगवाना चाहेंगे तो वहाँ पे कितने रुपए सीएफटी हो जाएगा? वहाँ अगर मंगवाना चाहते हैं, उधर तो 12 इंची का नापी चलता है, दरभंगा में 12 इंची का नापी, तो आज का रेट अगर दरभंगा का कहिएगा तो 7500 का सीएफटी लगेगा। 7500 का सीएफ जी, 12 इंची का नापी। यहाँ पर अगर 12 इंची के नापी में अगर लिया जाए तो 12 इंची का अगर नापी में लिया जाए यहाँ पुपरी में, हाँ, तो आपको पड़ जाएगा 6600। 6600 रुपये का 100 सीएफ जी ट्रक से? ट्रक से। अब मार्केट में तो इसे 200-400 एक्स्ट्रा मिलेगा 100 सीएफटी पे। हाँ हाँ, तो यानी कि मार्केट में पुपरी में 7000 का बालू होगा अभी 12 इंची के नापी में। अच्छा, और वहाँ पे कितना बोले हैं दरभंगा में सर? दरभंगा में लीजिएगा तो, अच्छा सर ये बता दी, हाँ बताए हैं आप, ये बता दीजिए यानी कि हर 50 किलोमीटर पे कितना रुपए का अथी जो है किराया बढ़ जाता होगा? वो तो अंदर लोड और ओवर लोड पे डिपेंड करता है। अच्छा, किराया के अंदर लोड में ज़्यादा किराया लगेगा जी, और ओवर लोड में कम किराया लगेगा। ओवरलोड में कम किराया, अंडरलोड में ज्यादा लगे? ज्यादा। अंडरलोड ओवरलोड क्या होता है सर, हम नहीं जानते हैं। अंडरलोड में हुआ कि फुल बालू आता है, कम आता होगा, ओवरलोड यानी कि ज्यादा हो गया, पूरा फुल बालू आता है। अच्छा, उसी हिसाब से तेल का खपत होता है, तेल का खपत होता है, उसी हिसाब से रेट भी, उसी रेट बताया जाता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और, बहुत से भाई कमेंट करते रहते हैं कि सर मुझे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का गाड़ी का जो किराया होगा वो कितना होगा, 100 किलोमीटर का बता दीजिए। 100 किलोमीटर, हाँ 100 किलोमीटर अगर दूर कोई अगर बालू मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कितना किराया देना पड़ेगा? कहे कि बालू का रेट तो वही रहेगा, जो भी बढ़ेगा वो गाड़ी का किराया बढ़ जाएगा, तो गाड़ी 100 किलोमीटर दूरी पर कोई बालू कहीं से भी मंगवाना चाहे, किलोमीटर पर 1500 रुपया पर सीएफटी पर बढ़ जाएगा। 1500 रुपया पर सीएफटी जी, जितना सीएफटी लेंगे तो उतना 1500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अलावा अगर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में है तो? जी जी नहीं, अभी तो प्रॉपर पुपरी का रेट बता रहे हैं, सीतामढ़ी का लीजिएगा उसका अलग रेट रहेगा। अच्छा। आप अगल बगल 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर उसका भी रेट अलग रहेगा, हर 10-15 किलोमीटर रेट अलग रहता है, तो थोड़ा बहुत का ही रहता होगा, थोड़ा बहुत 100-200 रुपया, इससे ज़्यादा क्या रहता होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, अगर ट्रक से बालू लेते हैं तो सारी जानकारी जो है अभी हम आपको सर से दिलवा दिए हैं, और जिन लोगों को बालू मंगवाना है तो मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट तक आप मंगवा भेज सकते हैं बालू, एक बार ये बता दीजिए, क्या कि जो लोगों को पता होगा, जिनका एड्रेस होगा कि हाँ हम यहाँ से मंगवा सकते हैं,
तो आप कहाँ कहाँ तक भेज सकते हैं, तभी तो लोग कॉल कॉन्टेक्ट करेंगे, नहीं तो दूर के अगर होंगे तो वो कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे? जैसे कि मुजफ्फरपुर से लेकर के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी, जी हाँ, मधुबनी में भी कहीं भी, मधुबनी में भी कहीं, हाँ, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये चार डिस्ट्रिक्ट में लगभग आप अवेलेबल करवा देंगे। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आप इन चारों डिस्ट्रिक्ट में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों? और जो भी जानकारी था बालू से रिलेटेड, ट्रक से रिलेटेड, वो सारा डाउट आप, हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और ये देख सकते हैं आप, अभी हम लाइव मार्केट में ही आकर के रेट आपको बताए हैं, और अभी जो है बालू मार्केट में 12 इंची के नापी में लेते हैं तो वही 7000 के लगभग में चलता है, और 10 इंची के नापी में 6500। तो अभी बालू का रेट 6500, 10 इंची के नापी में चल रहा है, देख सकते हैं 5500 मार्केट में नहीं ना मिलता है, मार्केट में ये हो गया ट्रक का रेट, ठीक है ना दोस्तों? तो आप लोगों को उम्मीद है कि सारा जानकारी क्लियर हो गया होगा। और देख सकते हैं अभी हम दुकान में हैं, और वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।